नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। सबसे पहले चलते हैं खबर के लिए दुमका। दुमका के कुरमा हाट में खुला क्रय केंद्र, शुरू होगी धान की खरीदारी। पोड़िया हाट के विधायक प्रदीप यादव ने रविवार को सरैया हाट के कुरमा हाट में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस पर विधायक ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1868 और बोनस प्रति क्विंटल 182 रुपया मिलेगा। कुल मिलाकर धान बेचने वाले किसानों को 2050 रुपया मिलेगा। लैंपस में धान क्रय होने के बाद एक सप्ताह में 50% राशि खाता में भेजी जाएगी, बाकी 15 दिन में मिलेगा। अब सरैयाहाट प्रखंड के किसानों को धान बेचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी मित्र को फोन करने के बाद किशोर ने लगाई थी छलांग। शहर के अशोका होटल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाने वाले 16 वर्षीय निखिल राज सोरेन की शनिवार की देर रात मौत हो गई। वर्तमान अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। मरने से पहले उसने आखिरी बार अपनी किसी महिला मित्र से बात की थी। रविवार को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडी गाँव का रहने वाला था। पिता रतनलाल सोरेन का बयान पर यूडी केस दर्ज किया गया। दुमका में अब ऑटो टोटो चालकों को कायदा सिखाएगी पुलिस। शहर की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए बाइक के बाद अब नगर थाना की पुलिस ऑटो और टोटो चालक की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। नियमों की अनदेखी कर मनमानी करने वाले चालकों को अभियान चलाकर पहले से बने रूट पर चलने के लिए मजबूर किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई होगी और उनका वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। अब खबर गोड्डा से। गरीबों के आशियाना पर पुलिस का पहरा। जिला मुख्यालय के गांधी मैदान के निकट नगर परिषद प्रशासन की ओर से गरीब लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरा में इन दोनों IRB यानी इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान का कब्जा है। उक्त रैन बसेरा में गरीब रिक्शा और ठेला चालक, दिहाड़ी मजदूरों सहित जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। इन दिनों में ठंड और शीतलहरी का प्रकोप तेज हो गया है, ऐसे में गरीबों को सोने में भारी परेशानी का झेलना पड़ रहा है। रॉयल को हराकर ताज ने सुपर सिक्स में बनाई जगह। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेले जा रहे बी डिवीजन लीग प्रतियोगिता अब सुपर सिक्स की ओर बढ़ रहा है। प्रतियोगिता 3 टीम सुपर सिक्स में, 1 टीम सुपर थ्री में पहुंच चुकी है। आज सुपर सिक्स में पहुंची टीम के साथ मैच शुरू होगा। महागामा ऊर्जानगर स्टेडियम में 2 मैच हुआ गया, जहां पहले मैच में ताज क्रिकेट क्लब ने रॉयल क्रिकेट क्लब को 5 विकेट से पराजित कर सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाया। बल्लेबाजी करते हुए सलमान ने 40 रन बनाया व आरजू ने 25 रन का योगदान दिया। ताज टीम की तरफ से नासिर ने 3 व राजा अंसारी ने 2 विकेट लिए। जवाबी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ताज क्रिकेट क्लब ने जीत का लक्ष्य 18 ओवर 5 गेंद में विकेट खोकर हासिल कर लिया। अपराध नियंत्रण को जिले भर में चला वाहन जांच अभियान। जिला पुलिस ने SP YS रमेश के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन जिला भर के विभिन्न थाना क्षेत्र में दोपहिया व चार पहिया वाहनों की जांच की। इस दौरान वाहनों की डिक्की, चार पहिया की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वाहन के कागजात, हेलमेट, DL रजिस्ट्रेशन नंबर आदि की जाँच की जा रही है। चेकिंग अभियान COVID-19 से चले और बिहार की सीमा से सटे सोनौर, हनवारा, खटनी आदि जगहों पर भी वाहनों की जांच की जा रही है। खबर अब पाकुड़ से। 19 को आएंगे बाबूलाल मरंडी, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। खबर पाकुड़ के लिट्टी पला से है। भाजपा मंडल इकाई की बैठक रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में मंडल अध्यक्ष शिव पहाड़िया के अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता सह जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू शामिल हुए। बाबूधन मुर्मू ने बताया कि बैठक में 19 दिसंबर को बाबूलाल मरंडी के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 17 व 18 दिसंबर को कार्यकर्ता वर्ग शिविर सरस्वती विद्या मंदिर लिट्टीपाड़ा में भी होगा। सिमल ढाब गाँव में सड़क न पानी, संकट में जिंदगानी। लिट्टीपाड़ा प्रखंड देश के 10 पिछड़े प्रखंडों में शामिल है। सरकार यहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए
कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन यहां का पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है। ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति तो और बुरी है। हम बात कर रहे हैं प्रखंड मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गोड्डा जिले की सीमा पर बसा शिमला डाब गाँव की। कुंज बोना पोक्लो PWD मुख्य सड़क से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर घने जंगलों के बीच बसा यह गांव जामजोड़ी पंचायत में पड़ता है। आज़ादी के 70 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी इस गांव तक पहुंचने के लिए एक सड़क नहीं बन पाई है। गांव के लोग आज भी पेयजल के लिए पहाड़ी झरना से पानी पर निर्भर हैं। इस गांव में आदिवासियों का 30 घर है जो अभावों का जीवन गुजार रहा है। खबर अब देवघर से। देवघर में होटल में छुपा था बांकुड़ा का हत्यारोपी पुलिस ने दबोचा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा शहर के केवटपाड़ा निवासी सोमनाथ दे की गोली मारकर हत्या करने के बाद देवघर स्थित सुविधा होटल में छुपकर रह रहे आरोपी को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ब्रिजमोहन द्वारी है, बांकुड़ा का ही रहने वाला है। इससे पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 मैगनीज, 7.56 mm का 4 जिंदा कारतूस व एक मोबाइल फोन बरामद किया है। अब झारखंड का देवघर बन रहा है साइबर अपराधियों का बड़ा अड्डा। जामताड़ा में दबिश से पड़ोस की जिलों में शिफ्ट कर रहे हैं ठग। जामताड़ा में साइबर थाने की पुलिस की दबिश तेज होने और कई की गिरफ्तारी के बाद अब बाबा बैद्यनाथ धाम के घर देवघर में साइबर अपराधियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। देवघर जिले के मार्गो मुंडा, कैरो, सारण, पथरोल, घोड़मारा आदि दर्जन भर क्षेत्र साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। यहां के ग्रामीण युवाओं को जामताड़ा जिले के कर्माटार के कई साइबर अपराधी साइबर ठगी का गुर सिखा रहे हैं। सामान्य तौर पर वे उनके अपने रिश्तेदार ही होते हैं। देवघर में डॉक्टरों की करतूत। 60 साल के बुजुर्ग की डॉक्टरों ने धोखे से कर डाली नसबंदी, जांच का मिला आदेश। देवघर जिले के सारवा में स्वास्थ्य विभाग का अजब कारनामा सामने आया है। सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने गए 60 साल के दिव्यांग हरि राणा की डॉक्टरों ने नसबंदी कर दी है। परिजनों का आरोप है कि परिवार नियोजन में पिछले स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य पूरा करने के लिए डॉक्टरों ने यह करतूत की है। पीड़ित ने देवघर DC मंजुनाथ भतंद्रिक से इसकी शिकायत की है। DC ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए सिविल सर्जन को जांच का आदेश दिया है। खबर अब जामताड़ा से। पबिया में 12 लाख रुपए की कॉपर पाइप लूटा। जामताड़ा के मुरली पहाड़ी नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया रानीडी विद्युत सब स्टेशन में शनिवार की रात हथियार के बल पर करीब 12 लाख के कॉपर पाइप की लूट की गई। 10 से 12 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार लहराकर घटना को अंजाम दिया और चलते बने। घटना के वक्त गार्ड व मुंशी को बंधक बनाकर रखा गया था। सूचना मिलने के साथ प्रशिक्षु IPS शुभांशु जैन ने घटनास्थल की जाँच की, कहा कि अपराधी शीघ्र चिन्हित कर लिए जाएंगे। 38 करोड़ से नारायणपुर में बनेगा पावर ग्रिड, जिले को मिलेगी 24 घंटे बिजली। जामताड़ा जिला विद्युत ऊर्जा का हब बनेगा, यहां बिजली का स्टॉक भी किया जाएगा। यह संभव होगा जिले के नारायणपुर प्रखंड के भागा बांध गांव में 132/33 kV ग्रिड के निर्माण से। यह ग्रिड का निर्माण 38 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। निर्माण कार्य गांव के 11 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि चयन में उत्पन्न हुए विवाद को भी विधायक के प्रयास से समाप्त कर लिया गया है। ग्रिड वर्ल्ड बैंक घोषित योजना के तहत बनाया जाएगा। आदिवासी महिला का शव रेल पटरी पर मिला। जामताड़ा के बोदमा के बीच रेलवे पटरी पर रविवार को एक महिला का शव मिला है। यह शव रेलवे से किलोमीटर 247 के डाउन लाइन के बीच मिला है। अज्ञात महिला की उम्र करीब 45 वर्ष है। मौके पर RPF जामताड़ा के SI मदन पासवान, मिहिजाम के थाना प्रभारी सुमन कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर छानबीन किया। मिहिजाम थाना शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा भेज दिया गया है। बराकर नदी में पुल तो बना, अप्रोच रोड खस्ता हालत। धनबाद को जामताड़ा जिला से जोड़ने वाले टूंडी लोधरिया मुख्य पथ पर बराकर बंदो बेड़ा गटियारी में करोड़ों रुपए की लागत से पुल तो बना लिया गया, लेकिन महज 3 किलोमीटर अप्रोच रोड नहीं बन पाने से इस पुल पर ठीक से आवागमन शुरू नहीं हो सका है। पुल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बराकर नदी पर 2004 में जामताड़ा प्रशासन ने कराया। निर्माण के 6 वर्ष बाद भी 3 किलोमीटर अप्रोच रोड नहीं बनने से पुल बेकार पड़ा हुआ है।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।